हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू क्यूमन करी। आज हम बनाने वाले हैं एक और बहुत ही हेल्दी और रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक। ये है बेल का शरबत। इंग्लिश में इसे गोल्डन एप्पल भी बोला जाता है। इसका जो ड्रिंक बन के निकलता है बहुत ही टेस्टी होता है, हेल्दी तो है ही और साथ में बॉडी को बहुत ठंडक देने वाला होता है। तो इस गर्मी आप इसे ज़रूर बना के पिए। अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा येलो कलर है और इसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। इसको सबसे पहले आपको चम्मच से निकाल लेना है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, क्विक है और बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है पीने में। इस तरीके से निकाल लीजिए। अभी इसके छिलके पे भी काफ़ी लगा हुआ है तो मैं चम्मच से उसको निकाल लूँगी अच्छे से। सारा पल्प आपको निकाल लेना है ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। ये खुद में बहुत मीठा फल होता है तो इसमें ज़्यादा चीनी की ज़रूरत नहीं है। मैं चीनी के साथ आज आपको दिखा रही हूँ। आप चाहे तो आप शहद भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाना है तो। वैसे चीनी की ज़रूरत नहीं है बट थोड़ा सा मीठा करने के लिए 1/4 कप के जितना मैंने यहाँ पर चीनी ऐड कर दी। पहले तो आपको हाथों से थोड़ा सा मसल लेना है। अगर आप शुगर पाउडर ऐड कर रहे हैं तो ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा, यानी कि चीनी जल्दी घुल जाएगी। तो एक बार मैंने इसको इस तरीके से अच्छे से पल्प के साथ मिला लिया। फिर ठंडा पानी ऐड करेंगे और फिर चम्मच या फिर स्पैचुला की मदद से अच्छे से इसका पल्प पानी के साथ मिलाएंगे ताकि अच्छे से इसका गूदा पानी के साथ डिसॉल्व हो जाए। ऐसा करने पे चीनी भी घुल जाएगी। धीरे धीरे करके पानी ऐड करेंगे। तो मैंने करीबन 2 ग्लास के जितना पानी ऐड किया था एक छोटे बेल में। तो अगर आप एक छोटा फ्रूट यूज़ कर रहे हैं बेल का तो उसमें मैंने करीबन 2 ग्लास के जितना ठंडा पानी डाला था। अच्छे से मिलाने के बाद फाइबर्स इस तरीके से हम अलग कर लेंगे क्योंकि इसमें बीज भी हैं तो आपको छानना ज़रूरी है। अच्छे से निकाल लें ताकि पल्प एकदम अच्छे से निकल आए। तो यहाँ पे मैंने इसको छान लिया है। पीछे का जो पल्प है वो निकाल दूंगी, मतलब शरबत के साथ ही मिला लूँगी ताकि कुछ वेस्ट ना हो। और ये हमारा शरबत का बेस बिल्कुल रेडी है। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं क्योंकि इसमें हमने अभी कुछ ऐड नहीं किया है। जब भी बनाना हो आप पहले तो थोड़े से पुदीने के पत्ते तोड़ के डालें, ऑप्शनल है बट पुदीने के पत्ते तोड़ के डालने पर ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। बर्फ़ डालें और थोड़ा सा नींबू का रस भी डालें, ऑप्शनल है, वो वैसे ही बहुत टेस्टी लगता है बट थोड़ा सा नींबू का रस डालने पे और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। और ये हमने ऐड कर दिया जो हमने शरबत बनाया। आपका बेल का शरबत बिल्कुल रेडी है, बहुत ही हेल्दी होता है। इसे ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।